मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस इज ऋषभ पाठक एंड यू ऑब्वियसली वॉचिंग ऋषभ पाठक ब्लॉग्स। तो आज यहाँ पर हुई है पूरी रात बारिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। सारे जो नालियाँ थी वो ओवरफ्लो हो गई हैं। यहाँ का जो बाजार का छोटा सा तालाब था वो भी ओवरफ्लो हो गया है। सारा पानी आ गया है रोड पर। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ तालाब देखने की, तालाब में कितना पानी आया है। तो चलिए चल के दिखाता हूँ आपको कितना पानी आया हुआ है तालाब में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ तालाब पर। और तालाब में अभी जैसे कि आपने देखा कि लगभग दो सीढ़ियाँ पानी आ गया है तालाब में, क्योंकि पूरी रात, वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब है, इतनी जल्दी भरता नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि सारी रात पानी बरसा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बरसा है। तो आसपास जो भी छोटी छोटी तालाब होते हैं, जो कि बंधियाँ होती हैं, तो वो फुल हो गई हैं, तो वो टूट गई, तो उनका जितना भी पानी है वो तालाब में आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस साइड से हमारे तालाब में पानी आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे से जब बारिश होती है तो पीछे जितना भी पानी होता है, और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सामने जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जितना भी वहाँ से बारिश होती है, पानी सारा इसी तालाब में आता है, क्योंकि इसका ढाल जो है ये हमारे तालाब की साइड में है, तो सारा पानी अपने इसी तालाब में आता है। तो अभी मतलब जब बारिश होती है तब तो आता ही आता है, और बारिश होने के लगभग 24 से 48 घंटे बाद भी इसमें तालाब में पानी आता रहता है, जो कि बहुत दूर दूर से पानी आता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब पहले मैं तालाब से आकर के सो गया था, अब उठाऊँ तो कुछ मेरे को काम था, पेट्रोल पंप आना था मुझे, बाइक में तेल भी डलवाना था। तो अब मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के पास ही ये जो गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये बगराजन माता का मंदिर है यहाँ पर कुलपहाड़ में। तो अभी तेल भरवा करके जाना है हम लोगों को मंदिर, तो इस वाले बगराजन मंदिर भी जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे पहुँचने के। ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश के नज़ारे, बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा खुश हैं ये बच्चे, ये खेतों में पानी भर गया है, और ये इनकी चल रही है मनमौजी, ये चार पांच बच्चे दौड़ लगा रहे थे अभी तो इसी में, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ अपने कुलपहाड़ के ही तालाब के एक दूसरे वाले किनारे पर, जो कि वो था हरदौलन घाट, जहाँ से मैंने सुबह दिखाया था वो हरदौलन घाट था। और ये देखिए, ये है दूसरी साइड, ये जो लास्ट होता है ना, जो तालाब का एंड है, वो तालाब का एंड है, ये इस तरफ से एंड होता है, और उधर बहुत दूर से ही स्टार्ट है, और इसके सामने ही ये यहाँ पे भी एक पब्लिक टॉयलेट है, उसमें जो कि अभी पेंटिंग चल रही है। तो दिखाता हूँ मैं आपको पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं ये भैया लोग। पेंटिंग कर रहे हैं भैया लोग इधर पे, बहुत ही खूबसूरत सी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जब ये कंप्लीट होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी टाइम लगेगा इसमें, तो कल परसों की वीडियो में आपको दिखाता हूँ ये। लेकिन ये देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल बना रहे हैं,
देख सकते हैं इधर आप। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, तालाब का ये जो दूसरा किनारा है ये बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे जमीन दिखाई देने लगी थी इस जगह। ये देख सकते हैं आप, ये कहलाता है ना, यहाँ से जो ओवरफ्लो होता है आगे से निकलता है तालाब का पानी, तो वो वहाँ पर आगे है और यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे ही था। वहाँ पर अभी जब और पानी बरस जाएगा, जब ये सारी सीढ़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं ये वाली, तो ये केवल तीसरी सीढ़ी तक जब पानी आता है तब वो ओने से निकलने लग जाता है, ओवरफ्लो जहाँ से होता है। और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पर। सनसेट मैंने बताया था, इन्हीं पहाड़ों के पीछे सनसेट होता है। तो ये देख सकते हैं आप कितना पानी आ गया है अभी फिलहाल में। अगर वो तीन दिन ऐसे ही बारिश हो जाएगी तो तालाब में पानी काफ़ी आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चे यहाँ पर आ गए। ये महल बना हुआ है बहुत ही साल पुराना, ये देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा उस तरफ तक पूरा महल बना हुआ है, उस घाट तक, हरदौलन घाट तक। और यहाँ पर बहुत पुराने आम के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आम है इन पेड़ों का। ये बच्चे यहाँ पर आकर आम खाते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी बारिश, तो ये देखिए छत गीली हो रखी है। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा साइड। ये मंदिर देखिए, चमकता हुआ मंदिर एकदम। और ये उधर आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा, घर से दिखाई देता है आपने, ये पहाड़ जो है बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जल्दी से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।